ये मॉडल बनाना मैंने 2004 से चालू किया है। मैं उस समय दिल्ली में पोस्टेड था और प्रोफेसर अरविंद गुप्ता उनका मैंने एक प्रोग्राम देखा था। वो प्रोग्राम से मैं इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मैं उसके बाद से ये सोचने लगा कि ये मुझे इन फ्यूचर करना ही है। मेरा नाम राजेश साहू है और मैं एक डिप्लोमा होल्डर हूँ मैकेनिकल इंजीनियर में, और मैंने एयर कंडीशनिंग पे वेरियस 5 कोर्सेस और भी किए हुए हैं, और इशरे से मैं करीब पिछले 3-4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और इसरे में जो मेरा इंटरेस्ट एरिया है वो है K12 स्टेम। स्टेम मीन्स साइंस टेक्नोलॉजी मैथ्स एंड इंजीनियरिंग। मैं बाई प्रोफेशनल HVAC कंसल्टेंट हूँ और साथ में स्कूलों में जो बच्चों को साइंस कम्युनिटी ट्रेनिंग देता हूँ जो स्क्रैप आइटम से बनते हैं। और अभी तक मैं करीब करीब 70 स्कूलों में अपने प्रोग्राम दे चुका हूँ। ये इसलिए करता हूँ कि जो बच्चे जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो अभी सिर्फ मोबाइल और टीवी के अलावा कुछ नहीं सोच पा रही है। दूसरा ये है कि हम घरों से इतना ज़्यादा वेस्टेज आइटम जो बाहर कूड़े के रूप में फेंकते हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके, तो ये बच्चों के लिए। और दूसरा जितना भी रिसाइकल आइटम है, जितने भी घर से जो कूड़ा निकलता है, कुछ प्लास्टिक की बोतलें निकलती है, प्लास्टिक की स्ट्रॉ निकलती है, टूटे फूटे खिलौने निकलते हैं, उसको जोड़कर एक नया आइटम हम बना सकते हैं। मेरे जो ज़्यादातर प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट स्कूल में मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं वो वाकई नीडी है। गवर्नमेंट स्कूल में लैब है लेकिन लैब में धूल लगी हुई है। जो बच्चे हैं वो बच्चों को जो प्रॉपर एजुकेशन का कहीं ना कहीं अभाव है। गांव के स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। तो ये सब मॉडल जो बड़े ही इजी और थोड़े से पैसों से वो तैयार कर सकते हैं। NCERT की जो बुक्स हैं उसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो भी प्रयोग दिए हुए हैं, वो इतने महंगे इक्विपमेंट हैं कि किसी भी गांव का, कोई भी गांव का बच्चा उसको प्रैक्टिकली बना ही नहीं सकता। तो हमारा उद्देश्य यह है कि जो NCERT की बुक्स में जो भी प्रैक्टिकल दिए हैं, ये एक वेस्टेज आइटम जो घर से कचरा निकलता है, जो भी वेस्टेज आइटम होते हैं उससे उस मॉडल को बना उसके बारे में ईजिली समझाया जा सके। अब इसके बाद हमारा जो टारगेट है वो पूरा गाँव की ओर ही रहेगा। अभी तक हम शहरों के सरकारी स्कूल को फोकस किया था, अब हम इसके बाद गांव की तरफ टर्न कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी बच्चों से फीडबैक नहीं लेता, लेकिन जब कुछ बच्चे, जैसे आज का भी आपने प्रोग्राम देखा है, तो उसमें से कुछ 10 या 12 बच्चे खुद से आकर जो इंटरेस्ट लेते हैं, यही मेरा इनाम है। क्योंकि अगर मैंने 100 बच्चों को सिखाया है और उसमें से 10 बच्चे भी सीखते हैं, तो वो 10 बच्चे अगले 100 बच्चों को ईजिली सिखा सकते हैं।